हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बुकैब समाधान एपिसोड का चौथे में आपका मैं रमेश मौर्य स्वागत करता हूं और बताता हूं आपको एपिसोड नंबर 4 16 से 20 तक हम सीखेंगे। आज आज का पहला शब्द है आपका एडिक्टेड। क्या है एडिक्टेड? तो एडिक्टेड माने होता है आदि। क्या होता है आदि? याद कैसे होगा? आप इमेजिन करिए कि कोई लड़का है आदित्य, उसका नाम है आदित्य। क्या करिए, चाय पीने का बहुत एडिक्टेड है। आदित्य चाय पीने का बहुत एडिक्टेड है। एडिक्टेड माने होता है आदि होना, अभ्यस्त होना, कि बिना चाय पिए उससे नहीं रहा जाएगा। कई चाय पी डालता है दिन भर में, तो आदित्य चाय पीने का एडिक्टेड है। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं, आदि चाय पीने का एडिक्टेड है। तो आदि आदित्य नाम से क्लियर कर दें। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अकस्टम टू। अकस्टम टू माने अभ्यस्त होना। और डिवोटेड, डिवोटेड माने भी क्या होता है? अभ्यस्त होना। तो अकस्टम्ड और डिवोटेड साथ हमेशा टू लगता है, तो इसको आप याद करेंगे। कस्टम जरूर टू लगता है, डिवोटेड साथ भी टू ही लगता है। आराम से इसका सिनोनिम्स हो गया। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्री। फ्री माने स्वतंत्र होना, मतलब किसी चीज़ का अभ्यस्त ना होना, आप उससे एकदम अपने आप को फ्री करके रखे हैं, यानी कि स्वतंत्र करके रखे हैं। तो इसलिए एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो फ्री हो जाएगा। दोस्तों ये परीक्षा में आ चुका है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कस्टम्ड। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप इसको जरूर याद करिए। अगला जो है दोस्तों वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? निकटवर्ती। तो निकटवर्ती इसका मतलब होगा एडजेसेंट, निकट। याद कैसे होगा? एडजेसेंट। तो निकटवर्ती, तो वह सेंट लगाकर उसके एडजेसेंट बैठा था। इमेजिन करिए कोई लड़का है सेंट लगाकर किसी दूसरे लड़के के एडजेसेंट क्या है, बैठा है। तो आप कहेंगे कोई सेंट लगाया क्या? तो सेंट लगाकर मेरे एडजेसेंट बैठे, वो निकटवर्ती बैठे। निकटवर्ती मतलब एकदम पास में बैठना, निकटवर्ती बैठना। इस तरह से याद हो जाएंगे। दोस्तों एडजेक्टिव है वर्ड, एडजेक्टिव वर्ब, ये सब इसलिए दोस्तों जानना जरूरी है क्योंकि शब्दों का सही प्रयोग आपको आ जाएगा। और एनोनिम्स एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही लिखा जाता है, एंटोनिम्स भी लिखा जाता है। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सजातीय होते हैं, सजातीय मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए। इसलिए आपको इसका सही प्रयोग करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी ध्यान देना है। ये सब मैं लिख के रखा हूँ। इसलिए दोस्तों सिनोनिम्स क्या होगा एडजेसेंट का? नियर। नियर मीन्स पास, कोई आपके पास में है तो निकटवर्ती है। कंटिगुअस। कंटिगुअस माने क्या होता है? पास या निकटवर्ती। तो कंटिगुअस माने भी निकटवर्ती। दोस्तों एक शब्द और कंटिगुअस को आप कंटेजियस से कंफ्यूज मत करना। कंटेजियस की स्पेलिंग क्या होगी? CONTAGIOUS। तो कंटेजियस, कंटेजियस माने क्या होता है? संक्रामक या छूत से फैलने वाला। इस तरह से कंटेजियस से कंटिगुअस को कंफ्यूज मत होना। कंटिगुअस, ये कंटिगुअस माने होता है निकटवर्ती, और ये कंटेजियस TAGIOUS इस कंटेजियस माने होता है संक्रामक से फैलने वाला छूत। तो निकटवर्ती में CONTAGIOUS, माइंड को करिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला सब इसका एंटोनिम्स अगर पूछ लिया जाएगा एडजेसेंट का, तो आपको डिस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो डिस्टेंट माने दूर। तो इस तरह से आराम से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है कंटिगुअस, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। कंटिगुअस से आप इस पर ध्यान दीजिएगा। TIGU रहेगा तो निकटवर्ती, TAGIOUS रहेगा तो संक्रामक या छूत से फैलने वाला। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एडजर्न। एडजर्न माने होता है स्थगित कर देना। स्थगित कर देना मतलब कुछ समय के लिए कोई काम टाल देना, तो उसको कहते हैं एडजर्न। तो इसका ट्रिक क्या कहेगी वर्ड को याद करने की? देखिए जर्नी को एडजर्न कर दिया। जर्नी कहीं पर जाने वाले हैं, तो इसलिए उस जर्नी को रोक दिया गया है, तो एडजर्न कर दिया गया। अब इस समय कोरोना वायरस के नाते सरकार क्या किया, जर्नी को एडजर्न कर दिया गया, ट्रेन कैंसिल कर दिया, सब चीज़ बस बंद कर दिया। तो जर्नी को सबको एडजर्न करना पड़ रहा है, स्थगित कर देना पड़ रहा है। इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? डिफर। डिफर होगा, डिफर माने टाल देना या स्थगित कर देना। पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब आज का काम कल को टाल देना, कि आज कहीं जाने वाले हैं तो कल जाएंगे। इस तरह से पोस्टपोन और डिफर, ये इसके महत्वपूर्ण सिनोनिम्स हैं। दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं इसका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस। ठीक है, एडजर्न का एंटोनिम्स क्या होगा? एडवांस। एडवांस माने क्या होगा? मतलब बढ़ावा देना। तो देखिए एडजर्न स्थगित कर देना यानी टाल देना, तो एडवांस मतलब बढ़ावा देना, मतलब कोई काम हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो स्थगित नहीं कर रहे हैं, तो उसको एडवांस कहेंगे। इस सेंस में यूज किया जाता है। तो एडजर्न का अपोजिट एंटोनिम्स या एंटोनिम्स जो है एडवांस है, परीक्षा में आ चुका है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों
तो अगला जो है शब्द है आज के लिए जो है एडमोनिस। एडमोनिस कैसे याद होगा? एडमोनिस डांटना होता है, डांटना किसी को, फटकारना। तो याद कैसे होगा? मनीष नाम का कोई लड़का है, उसको एडमोनिस किया। मनीष को उसके पापा ने एडमोनिस किया, डांटा कोई किसी काम को ना करने के लिए। मनीष को उसके पापा ने एडमोनिस किया। आप आराम से इस तरह से ट्रिक बना लिए कि मनीष को एडमोनिस किया गया, डांटा गया। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? चाइड। चाइड मीन्स डांटना या फटकारना। तो रिव्यूक माने भी डांटना, झिड़कना कि, और स्कोल्ड माने भी डांटना होता है। तो चाइड, रिव्यूक, स्कोल्ड, ये इसके सिनोनिम्स है। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज। प्रेज माने किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। आप डांट नहीं रहे, उसकी तारीफ कर रहे हो। अब देखिए अगला वर्ड है, आज का लास्ट वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट माने होता है चतुर या निपुण। तो याद कैसे होगा दोस्तों? बहुत इंटरेस्टिंग तरीके में बता दे रहा हूँ। आजकल के बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में क्या है? एड्रॉइट है। आजकल के लड़के या बच्चे भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में एड्रॉइट है। एड्रॉइड साउंड्स लाइक एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड फोन चलाने में, एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में आजकल के बच्चे भी क्या है? एड्रॉइट है, चतुर है, निपुण है। तो आप इसका इस तरह से याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा आपका स्किलफुल। एड्राइट का सिनोनिम्स स्किलफुल हो जाएगा, यानी कौशल से पूर्ण रहेगा, चतुर रहेगा, निपुण रहेगा। एक्सपर्ट माने निपुण या कुशल। अडेप्ट, अडेप्ट माने भी निपुण होता है। एक डेक्स्ट्रस भी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। ये सब परीक्षा में अडेप्ट डेक्स्ट्रस तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा क्लम्सी, इनएक्सपर्ट। क्लम्सी मतलब बेढंगा, जिसको कोई काम करने का ढंग ना हो, तो उसको क्लम्सी कहते हैं। तो मतलब वो निपुण नहीं है वो। और इन एक्सपर्ट माने एक्सपर्ट का जान रहे हैं, इन लगा देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। इन एक्सपर्ट माने जो निपुण ना हो। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। प्लीज़ जो है मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्त शेयर कर देंगे और सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों मेरी आर एम इंग्लिश क्लासेस की फैमिली को बढ़ाइए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो सकें। और लाइक करिए, आपके लाइक ही हमारे मोटिवेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।